हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स डार्क सर्कल के बारे में। डार्क सर्कल आजकल के जमाने में देखे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक के सभी लोगों को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ज्यादातर लोगों को आजकल डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल होने के क्या क्या कारण हैं और कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी है कि जिसका इस्तेमाल रेगुलर करने से हम हमारे डार्क सर्कल्स को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ आपके डार्क सर्कल्स को ठीक करने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। फ्रेंड्स, डार्क सर्कल जो है ये कोई रोग नहीं है, ये कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज के तरफ इशारा करता है कि हमारी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब हमारे डाइजेशन में, या तो हमारी लाइफस्टाइल में, या तो हमारी फूड हैबिट में कुछ ऐसी गड़बड़ी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। और हमारे आंखों के नीचे की ये जो स्किन है, यहाँ पे ऑयली सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। जब यहाँ की स्किन, आंखों के नीचे की स्किन जो है वो धीरे धीरे थिन यानी कि पतली होती जाती है, तो ये धीरे धीरे पतली होने के बाद डार्क हो जाती है और डार्क सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल के जमाने में डार्क सर्कल एक बहुत ही कॉमनली पाया जाने वाला प्रॉब्लम है और ये हमारी बढ़ती हुई उम्र की यानी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग एज की सबसे पहली निशानी है डार्क सर्कल। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। डार्क सर्कल्स होने का सबसे पहला कारण है हेरिडिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवंशिक, यानी कि अगर हमारे मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को डार्क सर्कल्स है तो हमें डार्क सर्कल्स जल्दी हो सकते हैं। तो हेरिडिटी एक इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें छोटी उम्र में भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। डार्क सर्कल्स होने का दूसरा कारण है लैक ऑफ स्लीप। जिन लोगों को नींद पूरी नहीं मिलती है उन लोगों को छोटी उम्र में डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। नींद पूरी नहीं मिलने का मतलब है कि जो लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, या तो लेट नाइट सो के लेट उठते हैं, जिनकी प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है, वैसे लोगों को डार्क सर्कल्स होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए डार्क सर्कल्स ना हो उसके लिए आप जल्दी सोए, रात को 10 से 11 बजे तक सो जाए और 8 घंटे की पूरी नींद आप लीजिए। उसके बाद तीसरा कारण है डार्क सर्कल होने का फटीग, यानी कि ज्यादा थकान लगना। चौथा कारण है पुअर न्यूट्रिशन, यानी आपके खान पीन में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होना, यानी कि प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारी स्किन को जो निखार देते हैं, उसकी कमी होना, यानी न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से, या तो आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया होने की वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी डार्क सर्कल होते हुए देखे जाते हैं। उसके बाद ज्यादा मात्रा में सोल्टी फूड का इंटेक करना। जो लोग ज्यादा नमकीन चीजों का इंटेक करते हैं उन लोगों को भी डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जिन लोगों का एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होता है, यानी कि जो लोग ज्यादातर अपना समय स्क्रीन के सामने, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन के सामने, या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने अपना ज्यादातर समय, आजकल की लाइफ में हम ऐसा देखते हैं कि ज्यादातर लोग 20-20, 18-18 घंटे, 15-15 घंटे अपना ज्यादातर समय है वो स्क्रीन के सामने बिताते हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद का एक रीजन है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी होना। कुछ लोगों का वाटर इंटेक बहुत कम होता है। वाटर इंटेक पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 4 से 5 लीटर तक आप एक दिन में वाटर इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पानी का इंटेक 3 लीटर से भी कम है, यानी कि 1.5 लीटर या 2 लीटर जितना है, तो आपको डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि अपनी आंखों को बहुत जोर जोर से बार बार रगड़ते रहते हैं, विगरसली अपनी आंखों को रबिंग करते हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल हो सकते हैं। उसके बाद लेडीज में ज्यादातर ये देखा जाता है कि टॉक्सिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो ज्यादातर आईलाइनर्स लगाते हैं या आंखों के नीचे शेडोज लगाते हैं, आंखों की जो पलके हैं उसके ऊपर मेकअप किया जाता है। ऐसे टॉक्सिक कॉस्मेटिक्स का ज्यादातर इस्तेमाल करने से हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो लोग ज्यादा सन एक्सपोजर देते हैं, यानी कि सूरज की धूप में ज्यादा घूमते हैं, उन लोगों को भी डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको नाक
में कंजेशन रहता है, यानी कि नेजल कंजेशन रहता है, जिनको नाक में बार बार सर्दी हो जाती है और कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बार बार कफिंग यानी कि एलर्जिक जिनको सर्दी की तकलीफ है, वैसे लोगों को भी डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से भी डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी डार्क सर्कल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में पीने से, यानी कुछ लोग अल्कोहल का डेली सेवन करते हैं, ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, उसकी वजह से 100% डार्क सर्कल हो सकते हैं। स्ट्रेस, दोस्तों आजकल की जो भागदौड़ भरी जीवन शैली है हमारी, उसमें स्ट्रेस एक ट्रिगरिंग फैक्टर और एक बहुत बड़ा कारण है। मानसिक या तो शारीरिक थकान, स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल आना ये कॉमन चीज हो चुकी है। उसके बाद जिनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, एंग्री नेचर है, वैसे लोगों को डार्क सर्कल आ सकते हैं। लास्ट में एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता करना, ज्यादा तनाव और चिंता में रहने से भी डार्क सर्कल आ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे कारण मैंने आपको बताए कि जिन कारणों की वजह से डार्क सर्कल हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। यह औषधि आयुर्वेद की बेहतरीन औषधि है, जिसके गुणों के बारे में ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है। मैं बात कर रहा हूं हरीतकी यानी कि हरडे के बारे में, जिसे इंक नट कहा जाता है। हरडे के क्या क्या बेनिफिट्स है, हरीतकी के क्या क्या बेनिफिट्स है, उसका ऑलरेडी हमने वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अपने डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए, अपने डार्क सर्कल को ठीक करने के लिए हमें इंक नट यानी कि हरडे को इंटरनली सेवन नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, एक हरडे हमें लेनी है। हरडे कौन सी लेनी है, उसका फोटो मैं आपको यहाँ पे बाजू में पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये टाइप की हरडे हमें लेनी है, जिसका शेप बादाम की तरह होता है। ये आपको हरडे लेना है और इस हरडे को आपको एक पत्थर पे थोड़ा सा पानी डाल के उस पत्थर पे ऐसे आपको रगड़ना है। हरडे को जब आप पानी डाल के पत्थर पे रगड़ेंगे तो धीरे धीरे हरडे का एक नीचे पेस्ट तैयार होता जाएगा पत्थर पे। जब वो हरडे नीचे पेस्ट के स्वरूप में रगड़ने के बाद तैयार हो जाती है, उसका पेस्ट आपको निकाल के अपने दोनों आंखों के नीचे डार्क सर्कल पे लगा देना है। आप ऊपर की साइड भी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रयोग को आप कम से कम 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक करिए। इसको आपको आंखों पे लगा के कम से कम 20 से 30 मिनट तक रखना है, उसके बाद पानी से इसको धो देना है। इस प्रयोग को रेगुलर करने से आपके डार्क सर्कल जो है वो धीरे धीरे करते हुए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा जो मैंने आगे आपको कारण बताए कि जिन कारणों की वजह से डार्क सर्कल होते हैं, उन कारणों को आपको दूर कर देना है, अगर उसमें से कोई भी कारण का सेवन आप कर रहे हैं तो। और फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप जरूर से इस्तेमाल करें, डार्क सर्कल से निजात पाए। और अगर ये रेमेडी आपको काम लग रही है तो आप अपनी कमेंट जरूर हमें नीचे दें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्द से जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।